नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। अब सोनम कपूर का इलाज होगा मुंबई में। स्वाइन फ्लू से पीड़ित बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर रविवार को हवाई एम्बुलेंस द्वारा राजकोट के एक निजी अस्पताल से मुंबई आ गई है। सोनम गुजरात में फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग कर रही थी, जहां उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अब उनका इलाज चल रहा है। आप में कलह तेज, केजरीवाल और पार्टी के कामकाज पर उठे सवाल। आपके भीतर संकट गहरा गया है। पार्टी पर वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द एक व्यक्ति केंद्रित अभियान चलाने का आरोप लगाया, जो उनके सिद्धांतों के विपरीत है। भूषण ने कहा कि एक व्यक्ति केंद्रित प्रचार अभियान के कारण पार्टी अन्य पारंपरिक पार्टियों की तरह हो गई है। उन्होंने संगठन के भीतर और स्वराज्य की हिमायत की। इससे पहले शांति भूषण अरविंद केजरीवाल को संयोजक पद से हटाने की भी वकालत कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में मुसलमान भारत में ज्यादा सुरक्षित है और बहुसंख्यक आबादी स्वभाव से उदारवादी है। उन्होंने हुबली में विराट हिंदू समावेश में कहा कि हिंदू स्वभाव से उदारवादी है और इसलिए देश भी उदारवादी है, और मुसलमान दुनिया के किसी भी अन्य जगहों की तुलना में भारत में ज्यादा स्वतंत्र हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का विवादास्पद बयान। जम्मू और कश्मीर में नई सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही मुफ्ती ने एक विवादित बयान देकर भाजपा को संकट में डाल दिया है। मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में चुनाव के लिए अच्छा माहौल बनाया, शांतिपूर्ण चुनाव में हुर्रियत और आतंकवादियों का भी हाथ है। मुफ्ती के इस बयान पर आलोचकों का कहना है कि भारतीय सुरक्षा बलों, कश्मीरियों और चुनाव आयोग को श्रेय देने की बजाय मुफ्ती ने निष्पक्ष चुनाव का श्रेय आतंकवादियों और पाकिस्तान को दिया है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है।